नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनोप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम 9th कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है डिजिटल लिटरेसी फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। सो लेट्स बिगिन। जो आज के हमारे टॉपिक हैं वो हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर मेमोरी। और अगर आप आज का ये लेक्चर ध्यान से देखते हैं तो आपकी 10 मार्क्स की प्रेपरेशन हो जाएगी फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये लेक्चर कंप्लीट लेक्चर देखें और इसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फंडामेंटल्स होते क्या हैं। फंडामेंटल किसी भी चीज़ के बेसिक और इसेंशियल थिंग्स होती हैं, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मतलब हुआ बेसिक एंड इसेंशियल थिंग्स अबाउट कंप्यूटर्स। तो बेसिक और इसेंशियल थिंग्स अबाउट कंप्यूटर कौन सी हैं? वो सारी चीज़ें जो हमारे आज के चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ब्लॉक डायग्राम, टाइप ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एक्सेट्रा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, 4 मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं हमारे पास: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इनके साइज और स्पीड के अकॉर्डिंग इनको इस ऑर्डर में रखा गया है, आप इस डायग्राम से ध्यान में रख सकते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप बेस्ड अपॉन देयर साइज एंड स्पीड। जो हमने कंप्यूटर को क्लासिफाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है टाइप्स में, वो उनके साइज और स्पीड के बेसिस के ऊपर किया हुआ है। तो जो फर्स्ट टाइप है कंप्यूटर की, वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो वाले कंप्यूटर होते हैं जो हम अपने घरों में या ऑफिसेज में अपने नियर बाई देखते हैं। सिंगल सीपीयू, सिंगल यूजर सिस्टम, यूज्ड इन ऑफिस, स्कूल और एट होम्स। स्मॉल इन साइज, छोटे साइज में छोटे होते हैं, और इनको फर्दर करेक्टराइज किया हुआ है पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटपैड, पाम टॉप, टैबलेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे मिनी कंप्यूटर। इट इज़ एक्चुअली द स्मॉलर वर्जन ऑफ लार्ज कंप्यूटर। ये लार्ज कंप्यूटर का एक छोटा वर्जन है, जो कि आपका चीपर भी होता है, सस्ता भी होता है और स्मॉल इन साइज भी होता है। ये आपका जैसे वेब सर्वर और गेमिंग सर्वर के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है मिनी कंप्यूटर आपका। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास मैग्नम और पैक्स। नेक्स्ट हमारा जो कंप्यूटर की टाइप है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर परफॉर्म मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पैरेलली फॉर मल्टीपल यूज़र। इसमें कैपेसिटी होती है कि ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को पैरेलली परफॉर्म कर सकता है फॉर मल्टीपल यूज़र। यूज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्क डाटा प्रोसेसिंग। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इसको वर्क डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करती हैं, जैसे एयरलाइन टिकट बुकिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। उसके बाद इसका जो डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली होते हैं और साइज में बड़े होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है IBM जेड और यूनिवैक। जो फाइनल लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कंप्यूटर की टाइप है वो है सुपर कंप्यूटर। जैसे कि इसका नाम है, वैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर है, वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड विद लार्ज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। इसका साइज भी ज़्यादा होता है और ये कॉस्टली भी होता है। यूज फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग और न्यूक्लियर साइंस और रॉकेट लॉन्चिंग। इस तरह के जो बड़े ही कम्प्लेक्स काम होते हैं, वहाँ पे हमारा सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। इसका एग्जांपल है समिट और डीप ब्लू। माइक्रो कंप्यूटर जो हमने यहाँ पे पढ़ा, उसके फर्दर टाइप हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके टाइप हैं जैसे पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे घरों में होते हैं, लैपटॉप। लैपटॉप आपका पर्सनल कंप्यूटर से भी कॉम्पैक्ट होता है, इसमें बैटरी होती है और ज़्यादा रिलायबल होता है आपके लिए। उसके बाद नोटबुक, ये लैपटॉप से भी स्मॉलर और लाइट वेट होता है। उसके बाद है पाम टॉप, ये इतना छोटा होता है कि आप इसको हाथ में पकड़ सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास टैबलेट, ये पाम टॉप से थोड़ा बड़ा होता है और आपका नोटबुक से छोटा होता है। इनकी इमेजेस देख लेते हैं। हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर्स की टाइप हैं, ये डेस्कटॉप है, लैपटॉप, नोटपैड, पाम टॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। तो अगर हम कंप्लीट डायग्राम देखें टाइप ऑफ कंप्यूटर की, तो इस तरह से रहेगी आपको फाइनल क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डाटा यूज़र से लेता है, उस रॉ डाटा को प्रोसेस करता है और उसको
मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये इसकी डायग्राम है, आपने इसको अपनी कंप्यूटर लैब में या बैंक में या नियर बाई ऑफिसेज में देखा होगा। इसके एडवांटेज या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं अब हम। इसके एडवांटेज हैं, कंप्यूटर की हाई स्पीड होती है, ये बड़ी हाई स्पीड से काम करता है। एक्यूरेसी इसकी बड़ी ज़्यादा होती है, डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी हाई होती है। डिलीजेंस मतलब ये बिना रुके लगातार काम कर सकता है। ऑटोमेशन मीन्स कि आप काफ़ी टास्क कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी मीन्स कंप्यूटर कैन डू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। रिलायबिलिटी और नो फीलिंग, ऑल दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ दी कंप्यूटर। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज और लिमिटेशन। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारा कंप्यूटर के साथ। हेल्थ इश्यूज़, अगर हम ज़्यादातर कंप्यूटर के साथ बिजी रहेंगे तो हमें हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। वायरसेज आने के चांसेस कंप्यूटर में होते हैं। नो आईक्यू, ये भी कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। साइबर क्राइम होने के चांसेस कंप्यूटर से बढ़ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डे बाई डे बढ़ रहा है कंप्यूटर के साथ, क्योंकि हम डे बाई डे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें आ गया कि कम्युनिकेशन के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, जैसे हमारा हो गया स्काइप, गूगल मीट, और बैंकिंग में आपने देखा होगा कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। लर्निंग के लिए जैसे बाईजूस, हमारा एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज ऑनलाइन कर रही है, अपनी डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग और डिफरेंट टाइप के टास्क के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ करती है। साइंस में भी कंप्यूटर का यूज़ डे बाय डे हो रहा है, और बिजनेस में भी आप देख सकते हैं शेयर मार्केट में जैसे कंप्यूटर का यूज़ डे बाय डे हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो मेजर तीन कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। और सीपीयू फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है हमारा, अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब हम इन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो इनपुट यूनिट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, इट गिव्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा सीपीयू, ये इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद है हमारा ALU, जो कि सीपीयू का एक पार्ट है। ALU आपका अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे आपका क्या हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, ये सारे काम आपके किस में होते हैं, ALU में। उसके बाद आ गया हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डिफरेंट जो हमारे ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है। इसको कंप्यूटर का हार्ट भी बोलते हैं हम। इट टेल अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट टू डू। मेमोरी यूनिट हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लास्ट है हमारा आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट यूनिट, ये आपका रिजल्ट डिस्प्ले करता है यूज़र को, जो भी CPU ने रिजल्ट जनरेट किया होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट यूनिट्स और इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। यूज़र जो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही करता है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र और उसको कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट कौन सा है, बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ इनपुट यूनिट्स। यहाँ पे देखेंगे आप कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, OCR, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, लाइट पेन, बारकोड रीडर, ऑल दीज आर दी एग्जांपल ऑफ इनपुट यूनिट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड से। कीबोर्ड हमारा बड़ा ही कॉमन और वाइडली यूज इनपुट डिवाइस है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं, जिनको प्रेस करके आप कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज़ होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कीज़ होती हैं, उनको डिफरेंट सेक्शन में अरेंज किया होता है। जैसे अल्फ़ाबेट कीज़, उनमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फंक्शन कीज़ होती हैं F1 टू F12, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। इसका जो एक सेट होता है वो हमारा अल्फ़ाबेट के ऊपर वाली रो में होता है, और एक डिफरेंट वाला हमारा न्यूमेरिक कीपैड हमारा अलग से भी होता है। कंट्रोल कीज़, जिसमें आ गया हमारा कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट। उसके बाद है नेविगेशन कीज़, जिसमें आ गई हमारी नेविगेशन वाली कीज़, जैसे एरोज, इंसर्ट, डिलीट, होम। तो ये सारी कीज़ आपकी कीबोर्ड पे कहाँ कहाँ होती है, यहाँ इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं।
कंट्रोल कीज़, नेविगेशन कीज़, न्यूमेरिक कीबोर्ड, फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़। कीबोर्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। जो एक स्किल टाइपिस्ट होता है वो डाटा क्विकली एंटर कर सकता है कंप्यूटर के अंदर। सेकंड जो एडवांटेज है हमारा कीबोर्ड का, कीबोर्ड को चलाने के लिए हमें कोई स्पेशल या ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेज देखें तो हमारा डिसएडवांटेज है कीबोर्ड का, इट्स नॉट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग डायग्राम। डिसेबल पीपल जो होते हैं उनको कीबोर्ड को हैंडल करने में थोड़ी समस्या होती है। माउस भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है और ये हमारा होता है पॉइंटिंग डिवाइस, जिससे क्या कर सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल्स होते हैं, आइटम्स होती हैं, हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस में यूजुअली हमारे पास दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, और सेंटर में एक व्हील होता है जो हमें स्क्रॉल अप और डाउन करने में हेल्प करता है। ये डायग्राम में देख सकते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये है हमारा व्हील और ये केबल है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है। एडवांटेज लेस स्पेस लेता है हमारा। रैपिड नेविगेशन के लिए हमारा माउस एक बहुत ही अच्छा इनपुट डिवाइस है और जहाँ पे हमें फास्ट सिलेक्शन करनी हो डिफरेंट डिफरेंट आइटम की, वहाँ के लिए भी हमारा माउस एक अच्छा इनपुट डिवाइस है। डिसएडवांटेज देखें तो इसके लिए जो बेस होता है वो फ्लैट सरफेस चाहिए होता है हमारे लिए और ये जल्दी डैमेज हो जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माउस हैं हमारे पास, वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर हमारा जो हार्ड कॉपी होती है या कोई भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हम उन डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं यहाँ पे स्कैनर के अंदर और स्कैन करके हम उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में हम उन डॉक्यूमेंट को डिजिटली एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेज देखें स्कैनर की तो स्कैनर हमारा इमेजेस को स्कैन और एडिट करने के लिए यूज़ होता है। ये हमारा फास्टेस्ट वे है डाटा एंट्री का। और डिसएडवांटेज देखें तो हमारा स्कैनर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हमें इसको ऑपरेट करने के लिए। क्वालिटी आपकी लिमिटेड होती है, वो डिपेंड करती है आपकी स्कैनर के रेजोल्यूशन के ऊपर। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्कैनर हैं, फ्लैट बेड, शीट बेड, पोर्टेबल और ऑल इन वन स्कैनर्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है विच इज यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मोनिटर स्क्रीन। ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स के जॉयस्टिक हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मोस्टली हमारे गेमिंग में यूज होते हैं। इनको होल्ड करना, इनको ऑपरेट करना इजी होता है माउस के कंपैरिजन में और ये यूजर को रियल स्टिक फीलिंग प्रोवाइड करते हैं। और डिसएडवांटेज देखें हम इनका तो के जो अप्लायंसेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जो सेकंड इसका डिसएडवांटेज है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो लिमिटेड होती है, मोस्टली फोर डायरेक्शन होती है इसकी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइसेज है वो है लाइट पेन, ये भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जैसे ही हम स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो स्क्रीन सेंस करके रिस्पोंड करती है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं लाइट पेन को। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड। अगर हमने साउंड कंप्यूटर को इनपुट करनी है तो हमारा माइक्रोफोन यूज होगा। उस साउंड को हम बाद में क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर हमारा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो मोस्टली बैंक्स में यूज होता है चेक्स वगैरह को रीड करने के लिए, क्योंकि चेक्स में जो चेक नंबर या बैंक अकाउंट नंबर लिखा होता है वो एक स्पेशल इंक से लिखा होता है जिसको MICR से हम रीड कर सकते हैं। बारकोड रीडर आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल में या बड़े बड़ी शॉप्स में जो आइटम्स होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए बारकोड रीडर यूज होता है। हम बारकोड रीडर से स्कैन करते हैं बारकोड को और हमें उस आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे मिल जाती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। अगर हमें किसी इमेज में से टेक्स्ट को रीड करना है तो हमारे लिए जो सुटेबल टूल है वो है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये किसी इमेज में अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको रीड करके हमें कंप्यूटर पे प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए यूज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, तो हम उनको मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कैमरा, जो हमारा पिक्चर क्लिक करने के लिए यूज होता है और उस पिक्चर को ये मेमोरी कार्ड में स्टोर कर लेता है।
और देन हम उस मेमोरी कार्ड को रीड कर लेते हैं कंप्यूटर के थ्रू। ये हमारा दोनों तरह के काम करने के लिए यूज होता है, इनपुट और आउट। ये है हमारी डिजिटल कैमरा की पिक्चर। नेक्स्ट हमारा है आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट यूनिट। ऐसे डिवाइसेस जो रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर और प्रिंटर आपके मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आपकी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर यूज होता है। स्पीकर आपके यूज होते हैं साउंड को जनरेट करने के लिए। और प्रिंटर आपका यूज होता है अगर आपकी आउटपुट की आपने हार्ड कॉपी चाहिए आपको तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं प्रिंटर से। और नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर्स। ये आपके वेक्टर ग्राफिक प्रिंटर्स होते हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर मॉनिटर। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस एंड इज यूज टू डिस्प्ले दी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉनिटर हमारे पास अवेलेबल हैं, CRT मॉनिटर। उसके बाद है हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिसमें आगे LCD, LED और प्लाज्मा। CRT आपके सबसे सस्ते और हैवी वेट मॉनिटर होते हैं। हम इनको ज़्यादातर उन जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा स्पेस से रिलेटेड हमें कोई ज़्यादा इशू ना हो, जैसे ज़्यादा स्पेस भी लगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। एडवांटेज देखें तो ये सस्ते होते हैं, ज़्यादा व्यूइंग एंगल होता है और ईजी टू इंक्रीज ब्राइटनेस। डिसएडवांटेज देखें तो डिफ़िकल्ट टू मूव अराउंड। इनको अगर हमें मूव करना है तो बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये भारी होते हैं, हार्मफुल रेडिएशन एमिट करते हैं और ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। अगर LCD की बात करें हम तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये है इसकी स्क्रीन। अगर एडवांटेज देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये थिन और लाइट वेट होते हैं। हम इनको दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं, कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड व्यूइंग एंगल होता है। नेक्स्ट है हमारे LEDs। ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड्स हमारी एज ए पिक्सल यूज होती हैं वीडियो डिस्प्ले के लिए। जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल फ़ोन, TV, टैबलेट्स, उनमें हमारी LED डिस्प्लेस होती हैं। ये कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं और जो चार्जेबल डिवाइसेस होते हैं स्पेशली वहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एडवांटेज देखें तो इसकी पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा सुपीरियर होती है, हाई कॉन्ट्रास्ट होता है, एनर्जी सेव करते हैं और लाइट वेट होती है। डिसएडवांटेज देखें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इस तरह के डिवाइसेस बनाने के लिए हमें एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले भी हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइसेस में आता है। यहाँ पे होता क्या है, आपका जो पिक्सल है वो इल्यूमिनेट होता है टिनी बिट ऑफ प्लाज्मा और चार्ज गैस से। इसकी डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं इसके कंपोनेंट्स के साथ। एडवांटेज मैं बता देता हूँ आपको कि ये कम्पैक्ट होता है CRT और LCD के कंपैरिजन में। इसका व्यूइंग एंगल वाइड होता है, रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है, वाइड स्क्रीन ऑफर करता है आपको और बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशो होती है। डिसएडवांटेज देखें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और हाई अल्टीट्यूड पे क्या करता है आपको डैमेज होने के इसके चांसेस और बजलिंग साउंड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें आयनाइज गैस होती है। अगर हम वेट और साइज वाइज कंपैरिजन करें इनका तो आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं, LED थिनर है, उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा, उसके बाद LCD और CRT सबसे ज़्यादा हैवी इन साइज। नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर्स। प्लॉटर आपका वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे बड़े बड़े बैनर हमने रोड अहेड पे देखे होते हैं, इनके टाइप यहाँ पे देख सकते हैं आप। प्लॉटर इज़ एन आइडियल आउटपुट डिवाइस फॉर आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड अदर हु नीड टू जनरेट हार्ड कॉपी ग्राफिक्स आउटपुट। जैसे कि आपने पिछली डायग्राम में देखा कि इसमें एक पेन मैकेनिकली मूव होता है और आपकी लाइंस को जनरेट करके आपके ग्राफिक को जनरेट करता है। ये टाइप्स ऑफ हमारे पास प्लॉटर्स हैं, फ्लैट बेड ड्रम प्लॉटर और इंक जेट प्लॉटर्स। एडवांटेज की बात करें तो ये यूज़ होता है हमारा प्रिंटिंग ड्राइंग के लिए, जैसे बड़े बड़े बैनर प्रिंट करने के लिए, और हाई क्वालिटी और हाई रेजोल्यूशन की आउटपुट जनरेट करने के लिए हम प्लॉटर्स को यूज़ करते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये प्रिंटर से स्लो होता है, एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंटर।
तो प्रिंटर को पहले मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ इसके बारे में, फिर मैं इसके बारे में आपको टेक्निकली बताऊँगा। दो टाइप के प्रिंटर हैं हमारे पास, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आगे फर्दर डिवाइड किए हैं हमारे करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर हमारे पास हैं डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और लाइन है हमारे पास ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बात करें तो हमारे पास है लेज़र जेट, इंक जेट और थर्मल प्रिंटर। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिंटर हमारा एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस है जो हमारा ग्राफिक और टेक्स को पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। प्रिंटर जो आउटपुट देता है हम उस आउटपुट को हार्ड कॉपी बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा कैसे काम करता है, इसमें एक हैमर और पिन स्ट्राइक करती हैं रिबन के साथ जो पेपर के ऊपर प्रिंट कर देती हैं टेक्स्ट को। इम्पैक्ट प्रिंटर की कॉस्ट लो होती है बट ये बड़े नॉइसी होते हैं। इनके फर्दर हमारे पास दो टाइप होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर प्रिंट वन सिंगल करेक्टर एट ए टाइम, और इसका एग्जांपल है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं हमारे पास वन लाइन एट ए टाइम, इसका एग्जांपल है हमारे पास ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है प्रिंट करने के लिए। इस तरह के प्रिंटर क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट प्रोड्यूस करते हैं बट ये एक्सपेंसिव होते हैं। ये भी फर्दर दो टाइप में होते हैं हमारे पास, करेक्टर प्रिंटर और पेज प्रिंटर। करेक्टर में आपका सिंगल करेक्टर बाय स्प्रेइंग ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन दी पेपर, इसका एग्जांपल है हमारे पास इंक जेट प्रिंटर। और दूसरा है हमारा पेज प्रिंटर, इसमें पूरा पेज एट ए टाइम प्रिंट हो जाता है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर में क्या होता है, हमारे पास करेक्टर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट एंड हेड कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये इनएक्सपेंसिव होता है, वाइडली यूज़ होता है बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो होता है और लो क्वालिटी की प्रिंट आउट निकालता है। दूसरा इसमें आता है ड्रम प्रिंटर जो कि हमारा लाइन प्रिंटर होता है। इसमें आपका ड्रम होता है जिसमें नंबर ऑफ करेक्टर होते हैं हमारे जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर के कंपैरिजन में फास्ट होता है बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते, फॉन्ट जो भी ड्रम के ऊपर करेक्टर का होगा वो फिक्स ही होगा। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की हम टाइप्स देखें तो इसमें आ जाता है सबसे पहले करेक्टर में इंक जेट प्रिंटर। इट प्रिंट करेक्टर बाय स्प्रिंग स्मॉल ड्रॉपलेट, जैसा कि आपने पहले देखा। ये हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट्स निकालता है बट ये लेज़र प्रिंटर से स्लो होता है। लेज़र प्रिंटर की बात करें हम तो लेज़र प्रिंटर आपका फास्ट भी होता है, डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट को भी सपोर्ट करता है बट ये एक्सपेंसिव होता है कंपैरिजन टू ऑल अदर प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर्स। स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है जो हमारा साउंड कार्ड से साउंड लेता है, और कंप्यूटर से जो भी साउंड आती है उसको हम स्पीकर से सुन सकते हैं। ये कुछ एक डायग्राम है स्पीकर्स की। एडवांटेज क्या है, ये ब्लाइंड पीपल की हेल्प करता है, और साउंड अगर हमने एम्पलीफाई करनी है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो हमारा स्पीकर काम में आता है। इसको ऑपरेट करना बड़ा इजी होता है। ये सारे एडवांटेज हैं हमारे पास। डिसएडवांटेज की बात करें तो जो स्पीकर होता है इसकी आउटपुट से हमारे कुछ लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। साउंड की क्वालिटी स्पीकर की कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। हाई क्वालिटी के जो स्पीकर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारा इमेजेस को स्क्रीन के ऊपर या वॉल के ऊपर दिखाने के लिए यूज़ होता है। ये हमारा अल्टरनेटिव है मॉनिटर और टेलीविज़न का फॉर शोइंग वीडियोस इमेजेस टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स। अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो लार्जेस्ट पॉसिबल पिक्चर, लो कॉस्ट, स्पेस सेविंग, ईजी टू इंस्टॉल, ऑल दीज आर दी एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्टर। और डिसएडवांटेज की बात करें तो डार्क रूम की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, और सेपरेट ऑडियो सिस्टम चाहिए होता है हमारे पास। तो ये थे प्रोजेक्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये प्रोजेक्टर की इमेज है और इस तरह से आउटपुट जनरेट करता है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरीज।
यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं आप। प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की मेमोरीज होती हैं, रैम और रोम। प्राइमरी के दो टाइप्स हैं और सेकेंडरी में हमारे पास है फिक्स और रिमूवेबल डिवाइसेस। उससे पहले हम मेमोरीज के यूनिट पढ़ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 4 बिट से निबल बनता है, 8 बिट से बाइट बनती है और 1024 बाइट से किलोबाइट बनता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी आपकी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हो सकती है। वोलेटाइल का मतलब पावर ऑफ होने पे मेमोरी में जो डाटा है वो इरेज हो जाएगा, और नॉन वोलेटाइल का मतलब आपकी जो मेमोरी में जो डाटा है वो पावर ऑफ होने पे इरेज नहीं होगा। तो हमारे कंप्यूटर में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों तरह की मेमोरीज यूज़ होती हैं। हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेमोरी है उसको मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी को हम ऑक्सिलरी और एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू होती है, सेकेंडरी हमारी नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी हमारी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों हो सकती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी नॉन वोलेटाइल ही होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारी फास्ट होती है, स्मॉल इन साइज होती है बट एक्सपेंसिव होती है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी स्लो होती है, लार्ज इन साइज होती है बट इन एक्सपेंसिव होती है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हम जो एक सिस्टम बनाते हैं वो कम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का बनाते हैं, ताकि हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो सकें, जिससे हमारे सिस्टम की कॉस्ट भी कम रहे और हमारा सिस्टम फास्ट भी हो। प्राइमरी मेमोरी आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है दो टाइप में, रैम और रोम में। रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम हमारी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, फास्ट होती है और वोलेटाइल होती है। और रोम हमारी क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, स्लो होती है और नॉन वोलेटाइल होती है। रैम के दो टाइप हैं हमारे पास, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम के हमारे पास फर्दर टाइप हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इधर सेकेंडरी मेमोरी हमारी दो टाइप में डिवाइड है, फिक्स डिवाइसेस और रिमूवेबल डिवाइसेस। फिक्स डिवाइसेस को हम इंटरनल मीडिया भी बोलते हैं, और रिमूवेबल डिवाइसेस को हम एक्सटर्नल मीडिया भी बोलते हैं। फिक्स डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क। और मूवेबल डिवाइसेस होते हैं जिनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। अगर हम रैम की बात करें, रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो इरेज हो जाता है जैसे ही आपकी पावर ऑफ हो जाती है। ये इस साइज में छोटी होती है, इसकी स्पीड हाई होती है, और ये दो टाइप की होती है हमारे पास, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में अब हम डिफरेंस देख लेंगे। ये तब तक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है जब तक पावर सप्लाई ऑन होती है, बट डायनेमिक रैम की बात करें तो ये आपकी पावर सप्लाई ऑन होने पर भी इंफॉर्मेशन को कुछ एक मिली सेकेंड के लिए स्टोर करती है। स्टैटिक रैम को हमें बार बार से रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो डायनेमिक रैम को हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। स्टैटिक रैम हमारी एक्सपेंसिव होती है, डायनेमिक रैम हमारी चीपर होती है कंपैरिजन टू स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम हमारी फास्ट होती है, और डायनेमिक रैम हमारी क्या होती है, स्लोअर होती है कंपैरिजन टू स्टैटिक रैम। स्टैटिक मेमोरी कैन बी यूज एज ए कैश मेमोरी। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी स्लोएस्ट और चीपेस्ट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके एडवांटेज देखें तो हाई स्टोरेज, लो कॉस्ट, परमानेंट स्टोरेज, पोर्टेबल, रीयूजेबल। और डिसएडवांटेज देखें तो ये स्लोअर होती है, ईजीली गेट वायरसेस, गेट डैमेज, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अगर टाइप्स देखें हम सेकेंडरी मेमोरी के, तो ऑप्टिकल स्टोरेज में आते हैं हमारे सीडी, डीवीडी। मैग्नेटिक स्टोरेज में आते हैं हमारे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। फ्लैश स्टोरेज में आते हैं हमारे पास पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स। और सेकेंडरी मेमोरी के वैसे हमारे पास दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, फिक्स स्टोरेज और रिमूवेबल।
फिक्स मतलब जो इंटरनल मीडिया और रिमूवेबल मतलब एक्सटर्नल मीडिया जो हमने अभी अभी पढ़ा है। ये है हमारे सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और डीवीडी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं हमारे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये वाले। तो अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। और ट्रू फॉल्स इस चैप्टर के वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अब हम क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे 9th क्लास का, जिसमें हमारे टॉपिक थे टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर मेमोरीज। नेक्स्ट अगर 9th to 12th क्लास के बच्चों को कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, जिसमें सिलेबस, ई बुक्स और वीडियो ट्यूटोरियल, तो आप हमारी वेबसाइट magicinfo.in से ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही magicinfo.in वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करना होगा। हिमाचल प्रदेश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपने स्कूल में CS में क्लिक करना है, कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करना है, तो आपको इस तरह का मटेरियल मिल जाएगा, ई बुक्स, सिलेबस और वीडियो ट्यूटोरियल। आप यहां से इस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं 9th to 12th क्लासेस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपके कोई सजेशन या फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या यूट्यूब में वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।